देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या ही कह रहे हैं, ए बी सी डी इज अ रॉम्बस। तो मैं लिख देती हूँ, पहले जो गिवन है वो पहले लिख दो, ठीक है। अगर रॉम्बस है दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, है ना। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ये तुम्हारे पास गिवन है कि सारी साइड्स इक्वल है क्योंकि इट इज़ अ रॉम्बस, ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, तो वो लिख दो। टू प्रूफ वी हैव टू शो द डायगनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए। हमें प्रूफ करना है दैट एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। ए सी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात क्या करनी है शो, एंड द डायगनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल, अच्छा ये भी करना है, ए सी एंगल ए और एंगल सी दोनों को बाइसेक्ट करना है, मतलब ये भी और एंगल थ्री एंगल फोर की इक्वल भी है, ये भी शो करना है, ठीक है। बी डी वाला जो केस है बच्चों, वो हम दूसरी फिगर बना के फिर लेंगे, वरना इसमें ना कन्फ्यूजन हो जाएगा तुम्हें, ठीक है, क्लियर है। तो भी बी डी वाले केस को भी छोड़ देते हैं आगे के लिए। चलो अब तुम देखो बच्चों, इन ट्राएंगल ए बी सी एंड ट्राएंगल ए डी सी, ए बी सी और ए डी सी में देखो, हमें पता है दैट ए बी, ए बी सी और ए डी सी, ठीक है, ए बी तुम्हारा ए डी के इक्वल है, क्यों, इट इज़ गिवन, ठीक है बच्चों। दूसरी बात क्या गिवन है, दैट डी सी इज इक्वल टू बी सी, अगेन दिस इज ऑल्सो गिवन, ठीक है। और ए सी तुम्हारा कॉमन है, ठीक है, एंड दिस साइड इज कॉमन, तो मैं कह सकती हूँ बाय एस 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 ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी बाय एस एस एस, ठीक है बच्चों, क्लियर है, सही है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, दैट एंगल, अब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू बाय सी पी सी पी, कह सकते हैं ना, ठीक। फिर अगेन सेम हम क्या कह सकते हैं, एंगल थ्री एंगल फोर की इक्वल है, बताओ क्यों, क्योंकि बाय सी पी सी पी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट ए सी बाइसेक्स एंगल ए एंड एंगल सी, ठीक है। जब एंगल इक्वल है तो इसका मतलब यही तो हुआ कि दिस मीन्स हेंस ए सी बाइसेक्स एंगल ए एंड एंगल सी, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाते हैं हम बी डी के ऊपर। अब देखो बी डी के लिए क्या करते हैं, इसको रब कर लेते हैं, इसी में दूसरा बना लेते हैं, ठीक, ऐसे कर लो, ठीक है, सही है, ये बी डी है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ले लो तुम एंगल फाइव एंगल सिक्स एंगल सेवन एंगल एट, ठीक है बच्चों। तो देखो इन ट्राएंगल, इसे भी रेस कर देते हैं हम। अब हमें क्या प्रूफ करना है, यू हैव टू प्रूव दैट एंगल फाइव इज इक्वल टू एंगल सिक्स एंगल सेवन इज इक्वल टू एंगल एट, यही तो प्रूफ करना है कि बी डी एंगल बी और डी दोनों को बाइसेक कर रही है, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या कह सकते हैं हम, इन ट्राएंगल ए डी बी एंड ट्राएंगल ए डी बी सी डी बी, ठीक है, क्या कह सकते हैं, दैट देखो ए डी इज इक्वल टू सी डी, क्यों, इट इज़ गिवन कि ये रॉम्बस है, ठीक है। दूसरी बात ए बी इज इक्वल टू सी बी, क्यों, अगेन दिस इज़ अ रॉम्बस, ठीक है। तीसरी बात डी बी इज इक्वल टू डी बी, क्योंकि ये कॉमन है, तो मैं कह सकती हूँ दैट ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी बी, है ना, बाय एस एस एस, ठीक है, सही है। फिर हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं दैट एंगल फाइव इज इक्वल टू एंगल सी, बताओ कैसे, बाय सी पी सी टी। हर मर्ज की, हर बीमारी की इलाज कौन है, सी पी सी टी, ठीक है। चलो एंगल सेवन इज इक्वल टू एंगल एट, अगेन बाय सी पी सी टी, अगर कॉन्ग्रेंट है तो भाई सारी चीज़ें, सारे मसले हल हो जाते हैं ना। चलो यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया आपने, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।